देखें, जो अदम एतमाद है ना, वो तो बहुत ही दिलचस्प मराहल में शामिल हो चुकी है। इस वक्त एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा के ऊपर पूरा पाकिस्तान और ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर फीड हो रहा है, और जिसका जो दिल करता है स्टेटमेंट लगा देता है और तरदीद करने की भी जहमत नहीं करते। और सारी बातें ये जब तक चलता रहेगा जब तक प्रॉपर अदम एतमाद जिस दिन पार्लियामेंट में लोग चले ही नहीं जाते। यकीन करें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अदम एतमाद का रिजल्ट क्या निकलता है। मैं अदम एतमाद वालों का, जिनको एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं है और जो एक दूसरे की गारंटी मांग रहे हैं और कोई दूसरे की गारंटी देने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ बुग्ज़े प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में इकट्ठे हुए हैं, मैं तो उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अदम एतमाद की रिपोजिशन ला के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के वर्कर्स को, प्राइम मिनिस्टर खान इमरान खान के टाइगर और टाइगरेसेस को, और पूरे पाकिस्तान को यूनाइट किया है। पूरी जो नेशन है, पूरी कौम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ इकट्ठे खड़ी हो गई है, क्योंकि उनको भी नज़र आ रहा है कि करप्ट तोला इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ सिर्फ इसलिए करना चाहता है कि इनके करप्शन छुपे, इनके मुकदमात ख़त्म हो जाएं, इनको NRO मिल जाएं, इनको कुर्सी की जो है तकलीफ़ है तो वो इनसे छीनी गई है। तो ये अदम एतमाद करके, साजिश करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके और एक दूसरे के साथ साजिश करने से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वोट और ताकत और कुर्सी जो है उनको सिर्फ वोट के ज़रिए और इलेक्शन के ज़रिए मिलेगी। तो फिर इसका अगर विकेट के दोनों तरफ खेलता है कोई, तो इसका मतलब है कि उनको बार्गेनिंग ज़्यादा आती है, मैं तो ये कहूँगी। वो पुराने सियासतदान हैं, लेकिन ये कि इस वक्त आवाम की नज़रें सबके ऊपर, आवाम सिर्फ ये देख रही है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के सेल्फ रिस्पेक्ट की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दुनिया को ये कह रहे हैं कि हम कोई लेसर गॉड के बच्चे नहीं है। ये नहीं है कि आप अपने जो लोग चले जाते हैं, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि मैं उनकी कोई शान में गुस्ताखी करूं और मैं उनके बारे में कोई बात करूं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो आपकी पार्टी के नज़रिए को पर आते हैं, तो उनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नज़रिए का पता था कि न इसने मुतलका की सियासत करनी है, न इसने NRO की सियासत करनी है, न इसने करप्शन की सियासत करनी है, ना इसने मनी लॉन्ड्रिंग की सियासत करनी है। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सिर्फ अपनी कौम को कौम बनाना चाहता है और मुल्क को सही समत में लेकर जाना चाहता है। तो वहाँ जहाँ पर जिसका मफाद पूरा नहीं हुआ और वो अपनी जिसको कहते हैं मदर पार्टी में वापस चला गया, उनको और उनका नज़रिया करप्शन का मुबारक हो। वो जहाँ से आए थे उधर ही जाके फिट हो गए, और हमारे बहुत सारे वर्कर्स चीज़ों को एक्सेप्ट करते भी नहीं थे अगर नेचुरली अगर देखा जाए। देखिए, आज अगर कोर है ना PTI के, तो वो टाइगर और टाइगरेसेस है, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो देखिए, आपका मफाद पूरा नहीं हुआ। सियासत सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि आपको कोई जगह नहीं मिली है, सियासत तो बड़ी लॉन्ग टर्म होती है, जिसके नर्व्स जवाब दे जाएं, जो शॉर्टकट इख्तियार करना चाहें, मेरे ख्याल में उसको जिल्लत और रुसवाई ही मिलती है, फिर वो कहीं के भी नहीं रहते हैं। और ये जो लोटे की टर्म है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है। एक दफ़ा आपके साथ इज्जत का मामला ख़त्म हो जाए और आपका ये चले कि ये हर कश्ती में सवार हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में हम जैसे लोग तो सियासत इज्जत के लिए करते हैं, कौम के लिए करते हैं और अपनी आने वाली यंग नस्ल के लिए करते हैं कि हमारा भी इस सियासत में हिस्सा है, हम यंगस्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये नहीं हो सकता कि आप अपने नालायक निकटों लागे हमारे ऊपर मुसलत करें। तो मुझे नहीं पता कि कौन जाना चाहता है, कौन नहीं जाना चाहता। मुझे अपनी पार्टी के कोर PTI के वर्कर्स का, PTI के टिकट पर MNAs का, मुझे सबका पता है कि वो सब इंटैक्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े हैं। और जो जो समझते हैं कि ज़मीर बेच के, या इस वक्त मेरे ख्याल में इस वक्त ये टाइम नहीं है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से साजबाज करने का या उनसे अपनी बार्गेनिंग करने का, ये तो टाइम है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े होने का, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़ा है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा अच्छा, है। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि अपोजिशन के कितने अफराद के साथ आप लोग गादे के अंदर हैं, कितनी विकटें अपोजिशन की गिराने को तैयार हैं? बड़ा फिर मैंने फिर भी कहना है कि बड़े दिलचस्प मराहल में खेल आ चुका है और बहुत सारे लोग रब्ता करें। देखें, इनकी पार्टियों में भी तो भेड़ बकरियां तो नहीं है ना। या तो ये कि आप कहें कि जद्दी पुश्ती जो है गद्दी नशीनियाँ हैं, वराफ की पार्टियाँ हैं, तो इसमें सिर्फ जो है वो नालायक निकटों औलादे, चाचे, मामे, बहनें, भांजियाँ, भतीजियाँ, यही सिर्फ आगे सियासत में आएंगी। या फिर ये कि अगर कोई बाकी इलेक्शन लड़ के जीत के आया है और वो ये समझें कि आज जरदारी जो है नवाज शरीफ के माउथ पीस बन के और उसका लीडर बन के वो नवाज शरीफ की पार्टी के फैसले कर रहा है, तो नवाज शरीफ को तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके तो कोई रिस्पेक्ट नहीं, वो तो भगोड़ा है, लंदन बैठा हुआ है, उसने तो अपनी इज्जत वैसे ही बेच दी, उसको तो फ़र्क नहीं पड़ रहा।
लेकिन जो PMLN का कोर वर्कर होगा ना, उसको तो ज़रूर एहसास होना चाहिए। तो बहुत से लोग रबते में हैं हमारी पार्टी के सीनियर लीडरशिप के साथ, यहाँ तक आपने खुद देखा है कि गुलजार साहब के साथ तो इनके लोकल MPAs जो हैं PMLN के, अक्सर उनकी मीटिंग ओपन होती है और वो अपने इलाके के लिए फंड मांगते रहते हैं। देखिए, इस सारे खेल में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो PMLN का होगा। ये PMLN नहीं सोच रही है, PMLN ने अपनी सियासत का जो पंजाब में अपोजिशन की हद तक थी उसका भी बड़ा गर कर दिया। उसकी जगह भी अगर किसी तरीके से देखें तो जरदारी लीग ने ले ली है। किसके कंधों पर चढ़ के जरदारी पंजाब के अंदर सियासत कर रहे हैं? नवाज शरीफ के कंधे के ऊपर, और नवाज शरीफ खुद लंदन में जाके भगोड़ा बन के बैठा हुआ है। तो इस सारे अदम एतमाद में, इस सारे खेल में सारा का सारा नुकसान PMLN को होगा और ये उनको अभी एहसास नहीं है। मैडम, एतमाद से पहले टांगे किसकी कांप रही है, हुकूमत की या अपोजिशन? इस्लामाबाद में टांगे कांप रही है। हम पे तो आजकल बिलावल भुट्टो की है, अजीब गरीब स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये मेरे ख्याल में मकाफाती अमल है कि आप कहें कि मैं घर से निकला हूँ। सवाल इनकलाब के ऊपर तो नहीं है, सवाल तो इनकलाब लाने के वालों के ऊपर होना चाहिए कि आपने कराची जैसे शहर को कचरा कुंडी 14 साल में तब्दील कर लिया, आपने लड़कानों को एड्स अदा कर लिया, सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं मिलती। तो सवाल तो फर्जंदे जरदारी से है। अब जब वो पूरे सिंध से अपने लोग इकट्ठे करके जब पंजाब में नवाज शरीफ के कंधे के ऊपर चढ़ के जब इस्लामाबाद तक पहुँचे, तो लाशों से वो खराशों की सियासत तक गए और खराशों से बिलावल भुट्टो जरदारी दिल खराश चीखों तक गए और फिर उनकी कांप पे टांग गई, सारी दुनिया ने देखा। थैंक यू।